हाय फ्रॉम मसूरी देहरादून, पता नहीं किस पे है, हम बीच में ही है कहीं भी, बीच में भटक रहे हैं और अभी निकल रहे हैं हम आगे की तरफ, और कहां तक जाने वाला है वो भी प्लान फिक्स नहीं क्योंकि वेदर का हमें कोई मतलब आइडिया नहीं है इतना। थोड़ा बहुत पता है कि इन्फॉर्मेशन आ गई कि आगे वेदर थोड़ा सा ख़राब ही मिलने वाला है, पर कितना ख़राब मिलने वाला है उसका कोई आइडिया नहीं। सो व्हाट्सअप पीपल, कुलदीप दिस साइड, बैक विद अनदर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं मोटो व्लॉग को, या व्लॉग को पता नहीं, जो भी है ट्रिप को तो कर ही रहे हैं। हम सेकंड डे है हमारे ट्रिप का आज। बाकी वेदर है ना तो अभी थोड़ा सा गर्म है, बट आज जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना वेदर अच्छा होता चलेगा और मज़ा डबल होता चलेगा, क्योंकि वेदर अच्छे वेदर में ना जो बाइक चलाने का मज़ा होता है ना वो गर्मी में नहीं आता ना यार वो वाला। हम थोड़े से पहाड़ों में इसलिए आते हैं कि वेदर यहाँ का ज़बरदस्त होता है और मज़ा आ जाता है। मज़ा आ जाता है भाई साहब कसम से। हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी धूप है। मेरे ख्याल से 85 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाएंगे मसूरी तक, फिर मौसम ठंडा हो जाएगा, है ना? बढ़िया। उसके बाद फिर मतलब अभी धूप ऐसी लग रही है कि हम बोल रहे हैं है धूप 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 धूप, अभी ऊपर जाएंगे ठंडा इसलिए है ठंड। इंसान का भाई नेचर ही ऐसा, कहीं वो ठहराव ही नहीं है। धूप ज़्यादा तो धूप, गर्मी ज़्यादा तो गर्मी, मतलब ठंड तो ठंड, ठंड तो ठंड, बट जहाँ हम जाएंगे ना वहाँ पे ठंड होगी जबरदस्त, बहुत तगड़ी वाली। स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रही है ना, रिपोर्ट आ चुकी है वैसे, बट जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक स्नोफॉल मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ भी हो सकता है भाई। सो टाइम टू लीव, और अभी सभी आ गए हैं ऊपर से नीचे सेफली, क्योंकि तो डाउट हो रहा था कि कभी दिक्कत ना हो जाए, स्पेशली यार ढलान ज़्यादा है, इतना भी नहीं है बट थोड़ा सा है रिस्क हल्का सा। और अभी निकलते हैं आगे, और अभी पहला फर्स्ट ब्रेक होने वाला था, फ्यूल ब्रेक होने वाला है, देखते हैं कहाँ रोकते हैं। वैसे मेरे में भी तो काफ़ी है पेट्रोल, बट स्टिल डलवा लेंगे, आगे का पता नहीं हमें सिचुएशन कैसी रहती है, कितने पेट्रोल पंप है, कहाँ है, सो जब आइडिया ना हो तो डलवा लेना चाहिए। अभी सभी ने रिफ्यूल कराया था, मसूरी में रिफ्यूल कराना पड़ा, नीचे से जो कट थी उस पर नहीं करा गया, उसमें 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप आता, मेरी बाइक ब्रीजर में लग रही थी, बाकी किसी को भी दिक्कत हो सकती थी, तो इसलिए हमने पहले मसूरी आए, अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे फिर उसके बाद वो टर्न आ जाता है, थोड़ा सा शेड्यूल लेट है बट चलो चलता रहता है अप डाउन, पर मज़ा आ रहा है, मेन बात होती है मज़ा आना चाहिए। वो डाइवर्जन आ गई है, सो यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है कुछ, अभी बाकी को आने देते हैं, वेट करते हैं उनका, क्योंकि हमने जो ले लिया डाइवर्जन, बट वो कभी आगे ना निकल जाए। सो यही होता है हर कॉर्नर पे, जहाँ भी चेंज करते हैं कुछ कट लेते हैं, सो वहाँ रुक जाते हैं कि बाकी आएंगे आ गया और फिर चलते हैं। टाइम उसका 1:15 और मस्त चले जा रहे हैं, मज़ा आया जा रहा है, कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं, बस वही पेट्रोल पंप वाला ब्रेक लिया था, और वैसे ही चलते रहेंगे। पहला स्टॉपेज हमने कोशिश करेंगे 70 से 80 किलोमीटर के अराउंड लें, या फिर 100 हो जाए तो बढ़िया है, वैसे जो हमारा डेस्टिनेशन है वो 200 किलोमीटर के अराउंड है, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। अभी ये व्यू आया ज़बरदस्त वाला, तो मैं सोचा क्यों ना आपको दिखाया जा रहा है, मस्त लग रहा है एकदम से, मन खुश कर दिया इसने तो। वाह, रास्ते जा रहे ना ऐसे ऐसे जिगजैग करते हुए, इन्हीं में से निकलना है हमें, और देख के मज़ा ही आ गया यार, ऐसे नज़ारे ना पहाड़ों में देखने को मिलते क्योंकि ये पहाड़ है इसलिए। मस्त चला, थोड़ा सा रोड नैरो ज़रूर है, बाकी ट्रैफिक इतनी है नहीं तो इसलिए दिक्कत भी नहीं आ रही है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो और इससे थोड़ा सा रोड और नैरो हो तो वो निकलने में दिक्कत हो जाती है, आराम से साइड से हमारी बाइकें निकल जाती हैं, और क्या चाहिए अपन को। कुछ उधर से आए थे, अब इधर से उधर का दिखा रहे हैं, जब उधर से इधर का दिखा रहे तो ऐसा ही चलता रहता है पहाड़ों में, इधर ही राउंड मारते रहते हैं। 5 मिनट सोच के ना हम यहाँ करीबन 40-45 मिनट रुक गए हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं, चाय पी थी कईयों ने, मैंने थम्सअप पिया था, बाकी मैगी खाई थी, और अभी रेडी हो चुके हैं, रेडी मतलब ये पहनना और निकलना है, और वैसे टाइम पता नहीं चलता कितनी जल्दी निकल जाता है, चलो कोई बात नहीं, रास्ते भी निकल जाएंगे ऐसे ही। चलिए चलते हैं, मे बी आज उत्तरकाशी से ऊपर जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल जोश है सब में, तो उत्तरकाशी से ऊपर हम चले जाएंगे, हर्षिल तक शायद हम लगा दें आज। अभी बोर्ड पे देखा था उत्तरकाशी 69 दिखा रहा है, बाकी रोड सेम वही चल रहा है, नैरो ही है, बट अभी थोड़ी सी ना गर्मी हो गई है, पहले नहीं थी, पहले प्लेजेंट था और थोड़ा अलग ठंडा तो नहीं लग रहा था, प्लेजेंट ही लग रहा था ये लगा लो, और यहाँ पे तो गर्मी लग रही है आपको। 29 डिग्री गया था, 28 दिखा रहा है, वहीं पे आसपास चल रहा है, बट थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाए मज़ा आ जाएगा। बाकी हम चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, डिम्पी पाजी पीछे चल रहे हैं, सुनीता भी पीछे चल रही है, तो काफ़ी पीछे है वो, पर अब जो अपने पेनियर्स और टॉप बॉक्स के साथ मज़े कर रहे हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा सा सैडलिंग कर ली जाए, काफ़ी देर से बैठे बैठे चला रहे हैं, सैडलिंग का भी बना फन होता है, और बाकी ना सैडलिंग ऑफ रोड में जो करते हैं ना मतलब वो ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आप बैठते हो ना तो बैलेंस वैलेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और अगर खड़े होकर ऐसे चलाते हो ना तो आपको बैलेंस आपके पैरों से संभालना पड़ता है। सो काफ़ी कुछ सीखा था ऑफ रोडिंग करते थे, अब फिलहाल तो छोड़ रखी है ऑफ रोडिंग करना। ये व्यू देखो आप, व्यू ज़बरदस्त वाला, अच्छा लग रहा है देख के। हाँ, ट्रैफिक ऐसी ही है, माइनर ट्रैफिक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, वैसे टैंक बैग लगने के बाद ना सैडलिंग करने में मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों, जो भी रीज़न है, या मे बी मैं थोड़ा सा टैंक पे ऊपर आके जब जाके सैडलिंग करता था थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है, और टैंक बैग ना
हो ना तो बाइक काफी लाइट लगती है, तो टैंक बैग है ना, पर अब जो सर लेके नहीं आया ना, मजे कर रहा है, फन कर रहा है। मैं भी शायद अगली बार से कुछ करूँ, टैंक बैग को हटाऊं। बाकी रोड तो देख ही रहे हो आप कैसे है, ऐसे है रोड बढ़िया। अरे बाप रे बाप, क्या व्यू है जबरदस्त यार, नीचे नदी जा रही है और गहराई देख रहे हो। ओहो, मजा आ गया, मस्त वाला। फोटो खींचना चाहिए यहाँ पे, अगर ये रुकेंगे तो खींच लेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। अगर खींचा होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत लेट लूट हो गया तो कोई पता नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा फोटो। प्रभजोत भी स्लो स्लो चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि व्यू इतना गजब का है कि यार एकदम से ऐसे ना निकल जाने का मन नहीं करता, क्योंकि थोड़ी सी मेमोरी में रहना चाहिए ना। अगर आप एकदम से निकल जाओगे तो कैसे रहेगा ऐसा व्यू याद, कि हमें ऐसा जबरदस्त वाला व्यू देखने के लिए मिला था। बकरियां ही बकरियां हैं, थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा। पहाड़ों पे आते हैं ना तो बकरियां जरूर मिलती है ऐसी जगहों पे। अरे सब कुछ होता है, मैगी भी होती है, बकरियां भी होती हैं, तो ये हर बार की रोड ट्रिप पे, स्पेशली मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, तो ये मिलती ही मिलती है हमें देखने के लिए। यार गर्मी हो रखी है यार, अब तो 31 डिग्री हो गया है टेम्परेचर, गर्मी हाई गर्मी, कब जाके वेदर सही होगा। और आई थिंक 20-30 किलोमीटर में वेदर चेंज होने लग जाएगा, और उसके बाद चलने लग जाएगा वेदर उल्टी तरफ, अभी तो गर्म की तरफ चल रहा था। ये जो रोड आया ना, जबरदस्त मजेदार एकदम मस्त, मजा आ गया यार। देखो यार रोड देखो, हाँ हाँ मजा ही मजा है, भगा रहे हैं। ऐसा स्ट्रेट भी आ गया वैसे अभी फिलहाल तो, वैसे स्ट्रेट ये स्ट्रेट अभी आया है, ऐसा नहीं कि पहले से स्ट्रेट चल रहा था। और रोड काफी ज्यादा वाइडर, एकदम मक्खन रोड है, मजा आ गया यार चला के इसमें तो। अभी पीछे बोर्ड लगा था उत्तरकाशी दिखा रहा था 36 किलोमीटर, अब उससे 1-2 किलोमीटर आगे था, थोड़ा सा कम कर लीजिए, 34 कर लीजिए, ऐसा ही रोड रहा तो जब भी पहुंच जाएंगे, टाइम पता ही नहीं चलेगा। उत्तरकाशी तक तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही रोड मिले, उससे आगे का मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी फिलहाल तो। इतने अच्छे रोड के बाद ऐसा रोड आ गया है, गड्ढे ही गड्ढे, मतलब बनने लग रहा है, वाइड कर रहे हैं, इसलिए काम चल रहा है यहाँ पे। सो आगे भी कुछ ऐसी उम्मीद रहने वाली कि रोड अच्छा नहीं रहने वाला है, जब तो इतना टाइम दिखा रहा, नहीं तो अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं। सो जितना भी कहा सब रिवर्स हो गया है, उल्टा अब यहाँ से ओवरटेक भी नहीं हो रहा है और नैरो भी हो गया है। चलो 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 भाई, चलो चलो निकालो निकालो निकालो। सो ट्रैफिक में से निकले, थोड़ा सा गाड़ियों से आगे भी निकल लेते हैं, नहीं तो इनकी तरह हम फंसे रहेंगे। सो यहाँ पे हमने लिया 1 घंटे का ब्रेक, किस लिए, डिम्पी पाजी का वेट कर रहे थे, पीछे रह गए थे। इतना भी लेट नहीं होना चाहिए ना, 40-45 मिनट यार, इतना लेट कैसे यार। पीछे ना सुनीता का 2-3 बार एक्सीडेंट होने से बचा, तो क्या बोल रहे हो तुम भी यार। तो थोड़ा सा गाइड करा फिर उसको, अब सही चला रही है। हाँ ठीक चला रही है ना, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। पता नहीं डिम्पी पाजी की आवाज कितनी रिकॉर्ड हुई होगी, जितनी हुई होगी सुन ले रहे होगी, नहीं हुई होगी तो काट दूंगा, ऐसा ही है। बाकी कहते सुनीता को चलाने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए इतना टाइम लग गया, क्योंकि आगे पीछे रोड भी नैरो था और फिर गड्ढे गुड्ढे ऐसे ही आ रहे थे, ऑफ रोडिंग पैच आ रहे थे। बुलेट चलाना थोड़ा आसान नहीं होता, काफी लंबा सफर है, और आगे जहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है आपको दिखाते हैं। वैसे ज्यादा कुछ मुझे यार आगे जाके ना वैसे लगेगा तो सही इंटरेस्टिंग, देखते कितना चल पाते हम। आगे रास्ता बंद बता रहे हैं तो कुछ दूसरा डायवर्जन हो, मे भी पूछ रहे हैं यार, दिक्कत हो गई ये तो कल टाइम पे, पर ये सही है, मैं पता चल गया पहले ही थोड़ा सा। हाँ हाँ BMW गाड़ी है, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। फार्मिंग देख रहे हो, देख के मजा आ गया, तो कलर क्या उभर के आ रहा है येलो वाला, देखने में मतलब आंखों को सुकून मिल गया। बाकी हमें रास्ता भी मिल गया, और क्या चाहिए हमें, अब देखते हैं कि हम सही जा पाते हैं नहीं जा पाते यार। उन डिम्पी हर को भी तो पता होना चाहिए, मैं से रुक के पूछता हूँ कि डिम्पी हर कभी भटक जाए तो उधर, और फिर मतलब टाइम लग जाए ज़्यादा बेखाम को, फिर नहीं तो हमें उत्तरकाशी रुकना पड़ेगा, वो हम नहीं जा रहे कि हो। बाकी देखते हैं एक्चुअली में सिचुएशन क्या होती है, पहले मैं प्रभजोत को जाके पकड़ता हूँ। सो प्रभजोत कह रहे थे कि इस पर चलते, मैं कह लेट हो रहे हैं यार, वैसे भी मुझे थोड़ा सा हाइट से डर लगता है, और फिर बाइक लेके निकल रहा हूँ हाइट से तो रिस्की, टू रिस्की, तो मैं नहीं लेता ये रिस्क, और अब आगे चलते हैं। वैसे ऐसे रिवर के साइड से चलने में ना जो मज़ा आता है ना, वो अलग ही लेवल का आता है, बस थोड़ा सा फ्लो तेज होना चाहिए था इसका, मे बी आगे चलेंगे तो मिल जाएगा हमें। अभी उत्तरकाशी से चल दिए हम हर्षिल की तरफ, देखते हैं कितना डिस्टेंस हम कवर करवाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हर्षिल ही लगाने वाले हैं, जो कि ऐसे 2.25 घंटा दिखा रहा है। टाइम हो चुका है 6:45, बट मोटा मोटा लगाओगे तो 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, 9 नहीं 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर वही दिक्कत रहेगी। उत्तरकाशी का हमें इतना पता भी नहीं है, तो इससे बेटर हम सोच रहे हैं हर्षिल जाएं, थोड़ा बहुत व्यूज़ वगैरह शायद बेटर मिले, मौसम तो डेफिनेटली बेटर मिलने वाला है यहाँ से, और फिर वो स्नो पीक माउंटेंस देखने के लिए हम जा रहे हैं, जो वहाँ देखने के लिए हमें मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। हमें थोड़ा सा ये डाउट था कि सुनीता थोड़ी सी टायर्ड हो रही थी, तो कभी दिक्कत हो जाए जा ना पाए, उससे पूछ लिया गया कि हाँ वो कह रही है चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचा दूंगी लगा दूंगी, तो फिर क्या दिक्कत है, क्यों सही बात है ना। सो
दिन ढल गया है, धूप चली गई है, अब क्या है, रात है। रात को पता नहीं कैसा मोटो व्लॉग होगा, एक दफा ट्राई कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज व्लॉग कर लेंगे आपके लिए। बाकी यहाँ का व्यू अगर नजर आ रहा होगा तो जबरदस्त लग रहा है, मुझे डाउट है, हाईली डाउट कर रहा हूँ मैं कि कुछ दिखाई दे रहा होगा। बाकी सब बढ़िया, थोड़ा स्लो चल रहे हैं कि सारे साथ रहें क्योंकि रात होने वाली है और कोई दिक्कत ना हो जाए। पाँचों बाइक ऐसे लाइन में चल रही है, हैजार्ड लाइट ऑन है, तो मतलब अलग ही नज़ारा दिखता होगा, कोई देखने वाला देख के कहता होगा यार मस्त लग रही है, कौन सी बाइकें हैं, कहाँ जा रही है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो हो ही जाती है। उत्तरकाशी से चले हुए में हाफ एन आवर हो गया है, अभी यहाँ से पौने दो घंटे का सफ़र और है, बीच में एक ब्रेक लेने वाले हैं, उससे ज़्यादा ब्रेक लेंगे तो हर्षिल पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लेट होंगे उतनी ज़्यादा फटीक होगी, कल लेट उठेंगे, उससे आगे जाने के लिए भी उतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बाकी बाइकें तो अच्छी परफॉर्म कर रही है, सही है कि कोई दिक्कत नहीं करी कहीं, किसी में कोई पंचर नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। वैसे मेरे साथ ही ज़्यादा होता है पंचर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बट इस बार कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बाकी सब बढ़िया है। तो मिलते हैं कहीं ब्रेक पे या कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तब। बाकी अमित भाई मिल गए हैं यहाँ पे, इनको कल बाय बाय करा था, आज हाय हाय कर रहे हैं। सो ये बेसिकली कह रहे हैं कि हर्षिल में जाने का फायदा नहीं, यहीं पे कहीं पे रुक जाओ, तो देखते हैं कि एक्चुअली में लास्ट हमारा प्लान क्या होता है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। सो फाइनली कहीं रुक गए हैं, वैसे किसी को नींद आ रही थी, कोई थक गया था, किसी को नहीं आ रही, तो ये जगह था भाई साहब, कुलदीप ने कहा रुक जाते आने वाला, रुक जाते मैं अपने रीजन बता था रुकने का, मैं चाह रहा था भाई रस्ते पे जाकर इसको मैच देखा और ये रुक गया। सो काफी लेट हो गया है अभी और अभी सोने का टाइम हो चुका है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कल आपको पता हम कहाँ जाने वाले, कुछ अलग दिखाने वाले हैं। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लिव यू लाइफ लिव यू टीम, बाय।